आजकल सोशल मीडिया पर पानी में डूबे महल का एक वीडियो वायरल हो रहा। पानी में डूबे महल को पानी में डूबी द्वारका नगरी का नाम दिया जा रहा। आखिर वायरल हो रही पानी में डूबी द्वारका नगरी यानी महल क्या सच में श्री कृष्ण की नगरी है? आइए जानते हैं वायरल हो रही इस पानी में डूबी नगरी यानी महल के पीछे की सच्चाई आखिर क्या है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें पानी में डूबे महल को देखा जा सकता है। वहीं महल के भीतर राधा कृष्ण की मूर्ति भी नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा महल भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। वीडियो शेयर कर यूजर्स ने लिखा, जलमग्न हुई द्वारका की दुर्लभ तस्वीर। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए हमने इसके की फ्रेम को गूगल पर रिवर्स सर्च किया। सर्च रिजल्ट में हमें ये वीडियो जानकारी के साथ आर्ट्स बाय राम नाम के एक इंस्टा अकाउंट पर मिला। इंस्टा अकाउंट पर ये वीडियो 20 मार्च 2023 को शेयर हुआ था। इसके कैप्शन में लिखा है, इसे द्वारका की रियल सिटी से इंस्पायर होकर 3D में बनाया गया है। पड़ताल के अगले चरण में हमने इंस्टा अकाउंट से संपर्क किया। यूजर ने हमें बताया कि उसका पूरा नाम श्रीराम नगरम थल्ली है और वे एक VFX आर्टिस्ट हैं। श्रीराम ने ये वीडियो अनरियल सॉफ्टवेयर पर बनाया था। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक आइडिया था कि पानी के अंदर मंदिर किस तरह दिखेगा। मंदिर की फोटो और पानी को ब्लू प्रिंट इफेक्ट की मदद से 3D मॉडलिंग में ढाला गया था। इस वीडियो को रियल बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये उम्मीद से ज्यादा रियल हो गया। इसके बाद लोगों ने वीडियो को सच मानकर शेयर करना शुरू कर दिया। साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है। ये वीडियो रियल नहीं बल्कि एनिमेटेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सेस भारत।